हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम कटवर्क मोहरी डिज़ाइन बनाने वाले हैं। साथ में मैं आपको 5 स्विंग टिप्स भी बताने वाली हूँ, जिसकी मदद से आप अपना कटवर्क मोहरी डिज़ाइन बहुत ही फिनिशिंग के साथ बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है और यह कटवर्क डिज़ाइन है वो आपकी मोहरी पर बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा पहला टिप यह है कि आपको इस तरीके का पेस्टिंग बुकरम लेना है, जिसकी एक साइड इस तरीके से साइन वाली होगी और एक साइड इस तरीके से डल साइड होगी। अब हमें हमारे पेस्टिंग बुकरम की जो यह डल वाली साइड है उस पर अपना डिज़ाइन ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की चौड़ाई की इस तरीके की 2 बुकरम की पट्टियाँ कट कर ली है और इस पट्टी की लंबाई मैंने यहाँ पर अपनी मोहरी के हिसाब से 15 इंचिस रखी है। मेरा दूसरा टिप यह है कि आपको इस तरीके से कटवर्क का जो डिज़ाइन है वो पेपर में ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर मेरे पेपर का जो टुकड़ा है उसकी चौड़ाई 2 इंचिस है और लंबाई 1.5 इंचिस है और 1 इंचिस की दूरी पर मैंने इस तरीके से अपना कटवर्क डिज़ाइन ड्रॉ किया हुआ है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटवर्क का यह डिज़ाइन तैयार करने से आपका जो पूरा डिज़ाइन है वो एक समान बनेगा। अब मैं अपनी बुकरम की पट्टी की डल वाली साइड पर 1 इंच की दूरी पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस तरीके का पेस्टिंग बुकरम लेने से आपका जो कटवर्क डिज़ाइन है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ अपने फैब्रिक में निकल कर आएगा। अब हमने जो पेपर के टुकड़े में अपना डिज़ाइन कट किया हुआ था उसे हमें बुकरम की पट्टी पर रखना है और इस तरीके से ड्रॉ करते जाना है। इस तरीके से पेपर का टुकड़ा कट करने से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से एक समान ड्रॉ होगा। डिज़ाइन को इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद नीचे के हिस्से में जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसे हम इस तरीके से कट कर देंगे। एक्स्ट्रा बुकरम को कट करने के बाद अब हमें हमारे बुकरम की पेस्टिंग अपने फैब्रिक में करनी होगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 3 इंचिस की चौड़ाई की और अपनी मोहरी जितनी लंबाई की पट्टी कट कर ली है। अब हमें हमारी पट्टी की रॉन्ग साइड पर और अपनी बुकरम की यह वाली साइन वाली साइड को इस तरीके से आमने सामने रखना है और अपनी बुकरम की पट्टी पर अच्छे से प्रेस कर लेना है। इसकी दोनों ही तरफ हमें 1/2 इंच का मार्जिन इस तरीके से छोड़ देना है। आपको अपनी बुकरम की पेस्टिंग इस तरीके से अच्छी तरीके से कर लेनी है, जहाँ से आपका बुकरम इस तरीके से निकल कर ना आए फैब्रिक में से। अब हमें यहाँ पर जो हमने 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ा है उसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हमें हमारी फैब्रिक की सीधी साइड पर और अपने डिज़ाइन की सीधी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखना है। इसका यह वाला कटवर्क वाला जो डिज़ाइन है वो हमें इस तरफ रखना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। मेरा तीसरा टिप्स यह है कि जब आप अपना डिज़ाइन मोहरी में अटैच कर रहे हो तब आपको यहाँ पर इस तरीके से पिन की मदद से अपने डिज़ाइन को सिक्योर कर लेना है, जिससे आपका डिज़ाइन है वो इधर उधर नहीं खिसकेगा और आपका जो कटवर्क डिज़ाइन है वो फिनिशिंग के साथ होगा। मेरा जो फोर्थ टिप है वो यह है कि आप जब इस तरीके से मशीन को घुमाएंगे तब आपको मशीन की सुई है वो इस तरीके से फैब्रिक के अंदर ही रखनी है, जिससे आपकी जो स्टिचिंग है वो फिनिशिंग के साथ होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सिलाई करने से यहाँ पर हमारी जो सिलाई है वो फिनिशिंग के साथ लग चुकी है। अब हमें यहाँ का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हम यहाँ पर कुछ इंच की दूरी पर इस तरीके से कट लगा देंगे। यह कट लगाने से आपका जो डिज़ाइन है वो बाहर की तरफ फिनिशिंग के साथ आएगा। कट लगाते वक्त आप ध्यान रखिए कि आपकी किनारी की सिलाई ना कटे।
इस तरीके से कट लगाने के बाद अब हम अपने डिज़ाइन को अपनी सीधी तरफ पलट देंगे। अब मेरा पांचवा टिप्स यह है कि आप जब इसको सीधी तरफ पलटेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किनारी पर इस तरीके से फैब्रिक है वो इस तरीके से होगा, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से अपने नाखून की मदद से अपने फैब्रिक को यहाँ पर इस तरीके से रगड़ना है। सभी कॉर्नर पर इस तरीके से करने के बाद अभी आपको इस पर डिज़ाइन पर सिलाई नहीं लगानी है। सबसे पहले आपको अपने डिज़ाइन पर अच्छे से प्रेस कर लेनी है जिससे आपका डिज़ाइन है वो इस तरीके से फिनिशिंग के साथ दिखेगा। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से प्रेस करने से आपका डिज़ाइन है वो प्रॉपरली दिखेगा। अब आप चाहे तो यहाँ किनारी पर सिलाई लगा सकते हैं, मैं यहाँ किनारी पर सिलाई नहीं लगा रही हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पर ही सिलाई लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना ब्यूटीफुल कटवर्क डिज़ाइन है वो तैयार कर लिया है। आपको मेरी दी हुई टिप्स और यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।